How to fix Samsung A50s incoming call problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Samsung के डिवाइस पर इनकमिंग कॉल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. इनकमिंग कॉल के रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशन से मैं आपको इस वीडियो पर देने वाला हूँ. जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कुछ सेटिंग्स के वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. नेटवर्क के वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम इश्यू हो सकती है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें. यहाँ पे इनकमिंग कॉल प्रॉब्लम आपका जरूर फिक्स हो जाएगा. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें. और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा. चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आपको इनकमिंग कॉल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो पहले दोस्तों आपको चेक करना होगा कि आपके मोबाइल पे इनकमिंग रिचार्ज है या नहीं है, ठीक है. सबसे मेन और ज़रूरी बात, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो रिचार्ज कर लीजिए. उसके बाद जाइए अपने मोबाइल के फ़ोन कॉल सेटिंग पर, ठीक है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लॉक नंबर पर जाना है और चेक करना है आपके ब्लॉक अननोन प्राइवेट नंबर ऑन है या ऑफ है. तो इसको आप ऑफ़ करके रख दीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. आपका वाईफाई कॉलिंग बंद होना चाहिए. अगर वाईफाई कॉलिंग ऑन है तो वाईफाई कॉलिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि वाईफाई कनेक्ट रहेगा और अगर कोई कॉल करते तो कई बार दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कॉल लग नहीं पाते, ठीक है. तो आपको ये चीज़ ध्यान पर रखना है. एंड देन दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है सप्लीमेंट्री सर्विसेज में. आपको चेक करना होगा कॉल फॉरवर्डिंग एज वेल एज़ कॉल बैरिंग, ठीक है. कॉल फॉरवर्डिंग को चेक करें, अगर ऑन है तो ऑफ़ कर दीजिए. अगर आपको कॉल फॉरवर्डिंग बंद करना नहीं आते, मैंने इसके रिलेटेड पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं. कॉल बेरिंग, यहाँ पे कॉल बेरिंग इनेबल है तो उसको दोस्तों बंद करना होगा, ठीक है. मान लीजिए इनकमिंग कॉल पर आपका ये लगा हुआ है, ठीक है, ये बंद ये ऑन किया हुआ है तो आपको ये बंद करना होगा, ठीक है. उसके बाद दोस्तों आप चेक करके देखें, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम. तो पहले चीज़ आपको ये सारे बेसिक नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है. सारे सर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, डिवाइस को रिस्टार्ट कर सकते हैं, सिम कार्ड को इजेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं. जैसे कि सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर पे निकाल के उसको दोबारा से अंदर पे भर देना है, ठीक है. तो आप ये सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं यहाँ पे. एंड देन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको नेटवर्क के रिलेटेड कोई भी इशू है तो जाइए दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग पर. सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, जनरल मैनेजमेंट पर जाना है, रीसेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करते हुए मोबाइल सेटिंग को रीसेट कर देना है और मोबाइल पैटर्न या फिर पासवर्ड भर के उसको रीसेट करना है. उसके बाद दोस्तों जाइए कनेक्शन पर. कनेक्शन पर जाके आपको मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है, नेटवर्क मोड पर जाके नेटवर्क को स्विच करना है. नेटवर्क दोस्तों चेक करें, 4G 3G 2G जो भी आपके एरिया में चल रहा है वो यूज़ करें. अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो नेटवर्क ऑपरेटर पर जाइए, सेलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली का ऑप्शन ऑन है तो इसको बंद कर दीजिए, मैनुअल नेटवर्क दिखाई देगा. जो भी नेटवर्क अवेलेबल है आप उसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सारे सॉल्यूशन करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. और दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर अगर आपका अपडेट नहीं है तो मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करके आप चेक कीजिए, आपका कंप्लीट प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा. बाय एनी चांस अगर आपको इनकमिंग कॉल के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप डायरेक्टली कस्टमर सर्विस को कॉल करके पूछ लेना, ठीक है. मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा. अगर आपका एयरटेल सिम से दोस्तों आप कॉल नहीं कर पा रहे तो दूसरे एयरटेल सिम से कॉल लगा के देखिए. अगर आपके जियो सिम से नहीं रहे तो दूसरे से करके देख सकते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं. तो बस दोस्तों इनकमिंग कॉल के रिलेटेड जितने भी मैंने सॉल्यूशन था वो दे दिया, आपका प्रॉब्लम इसी तरीके से फिक्स्ड होगा. उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.